किसान यूनियनों के 12 to 4 बजे के चक्का जाम के ऐलान तो बाद पंजाब हरियाणा में जगह जगह रेलवे लाइन को जाम कर दिया गया है। फिलहाल इस समय तुसी ग्राउंड जीरो उत्ते देख सकते हो कि अंबाले का शाहपुर पिंड है जिथे टांगरी नदी के कोल जम्मू और अमृतसर जाण वाली जिहड़ी रेलवे लाइन है उन्हें पूरी तरह जाम कर दिया गया है। शाहपुर के आस पास के इलाके तो भारी गिणती के विच किसान इस पटड़ी के उत्ते आके बैठ चुके ने ते किसे भी जिहड़ी रेल हैगी है उन्हें अगे नहीं जान दिता जा रहा। इसे तरह पंजाब का हाल है, पटियाला होवे चाहे बरनाला होवे संगरूर होवे मानसा होवे जां बठिंडा आस पास दे सारे एरिए जिहड़े भी अमृतसर नूं रेलवे लाइन जा रही है उन्हें जाम कर दिता गया है। इसे तरह राजस्थान नूं जाण वाली रेलवे गड्डियां ने उन्हां नूं उत्थे नहीं जान दिता जा रहा। फिलहाल शाहपुर के लोग साडे नाल इत्थे मौजूद ने, उन्हां दे नाल गलबात भी करांगे कि किसान अंदोलन नूं क्योंकि कई महीने की सर्दी तो बाद हुण हौली हौली सर्दी घटन लगी है तो गर्मी हौली हौली वधदी हुई भी दिखाई दे रही है, लेकिन इन्हां दे दिलां दे विच जिस तरह की गर्मी है उन्हें सर्दी के उपर भी काबू पा लिया। ये दसो कि गर्मी हुण हौली हौली होण लगी है, सर्दी जा रही है, तो किसान उस तरह खड़ा है? किसान उदों तक ही खड़ा रहेगा जदों तक ये तीन कानून वापस नहीं होणगे, चाहे गर्मी आए सर्दी आए बरसात भी, हमने सर्दी भी देख ली बरसात भी देख ली, आगे भी जैसे मानसून आएगा जब 2024 तक जब तक मोदी रहे यहाँ पे हम उसको ऐसे ही मुकाबला करते रहेंगे। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहते हैं भी ये तो वधिया कानून हो ही नहीं सकते, दुष्यंत चौटाला भी कानूनों का समर्थन कर चुके हैं, मोदी भी और जितने भी बीजेपी के लीडर हैं वो सारे कह रहे हैं कि इसमें गलत क्या है। एक बार हमको बता तो दो, आप गारंटी दे दो कि जिस किसान के पास फसल 2 लाख की होती थी उसकी 2-4 लाख की होगी, गारंटी दे दो किसान वापस आ जाएगा। तुम की कहना चाहोगे? असं तो जी यही कहना चाहते भी तिने काले कानून है जोड़े ये वापस होने चाहिए ने, ये किसानी के खिलाफ ने, यही साड़ी बेनती है। तो अज 12 बजे तो जोड़ा थोड़ा धरना सगा रेलवे पटड़ी तो अज शुरू हो चुके, 4 बजे तक चलूगा, की लगता कि सरकार झुक जूगी? पर झुकने की दिखाई तो दे नहीं रही है, किसान पिछे नहीं हटते जी, किसान पिछे नहीं हटेगा। तुम की कहेंगे? झुकना तो पेगा जी सरकार, अज नहीं कलों झुकेगी, ठीक है। वैसे डरी तो बैठी है सरकार, उन्होंने मूँह तो ही पता लगता है भी हाँ कैनी सहमी बैठी है, बस दिखा नहीं रहे, शो नहीं करते हो कि असी किन्ने डरे बैठे हैं, पर असी जदों तक ये तीनों कानून वापस नहीं आते असी पिछे हटने वाले नहीं है। कई महीने निकल चुके ने, पहला पंजाब का किसान पटड़ियों उत्ते बैठा होया सी, उस तों बाद दिल्ली कूच कर दिता गया बॉर्डर से, चाहे गाजीपुर होवे टिकरी होवे जा सिंघू बॉर्डर के उत्ते बैठे हुए ने, तुसी उरे पटड़ियों से बैठ गए हो? बैठना ही पवेगा जे नहीं मानते, कह रहे फायदे के किस तरह फायदा सानू, तो जे असीं कह रहे साडा फायदा ना करो तुसीं कानून वापस ले लो, सानू फायदे तो किसके क्या मतलब है, उंगली मिठी गोलियां दे रहे ये अपने एलबीजे साहब है, ये कह रहे थे 6 रुपये सिलेंडर की कीमत बढ़ा दी कांग्रेस के टाइम में, पटड़ियों पर बैठ जाता नंगा होगा, ईब 800 रुपये का सिलेंडर हो गया, मारेंगे तो गरीब लोगों को, एक ठीक है गवर्नमेंट पेट्रोल डीजल दे रेट भी बढ़ते जा रहे हैं, तो पेट्रोल डीजल नू लेके तुसी की कहेंगे? पेट्रोल डीजल जी इस टाइम ऊंचाइया जा पहुंचा है 120 रुपये, गरीब जनता दे जेब हौली होने का पूरा हो, इस दे विच तुसी आप जानते हो जिमीदार नू डीजल की कम बहुत जरूरत पैंदी है, डीजल की खपत जिमीदार तो बहुत है, पर डीजल नू सस्ता क्यों नहीं करते, महंगाई उपर तो उपर जाई जाती है, पर सरकार कह रही है कि कितने महंगाई हुई ही नहीं हैगी, तो कानून भी बहुत बढ़िया ने, तो किसान इन्ना अमीर हो जाऊगा कि डीजल पेट्रोल का तो पता ही नहीं लगना? ऑर्डिनेंस का सानू कोई फायदा दसो सरकार ने, 17 मोर्चे गल कर चुकी है साडे आगुआ नाल, सरकार ने सरकार दे आगुआ ने किन्नी ने भी सानू फायदा नहीं दसिया, नुकसान किन्नी बजे साडे आगुआ ने सरकार नू दस चुके हैं असीं। तुसीं की कहेंगे इहदे बारे? यही कह रहे हैं जो डीजल पेट्रोल तो रोज बढ़ रहा है, किसान की फसल 6 महीने बाद बढ़ाओ भी नहीं मिलती, किसान तो एक जीने का हक मांग रहे हैं, इनसे कोई वो नहीं मांग रहा है कि कोई मनु करोड़पति बना दो, और तो एक जीने का गरीब जनता, अगर सारा कॉर्पोरेट के सेक्टर के हाथ में पड़ गया ना ये सारा खाने का सामान तो ये गरीब जनता मारी जाएगी, इसमें किसान तो मरेगा मरेगा, हमारे से बात दूसरा नंबर गरीब जनता का ही। पर सरकार दवा दे विच तो दिखाई नहीं दे रही, तो सरकार कह रही है कि कानून तो उवें ही लागू होंगे, अमेंडमेंट करवाउणियां ने, मोदी तो इस करके अमेंडमेंट नहीं दे रहा, मेरे कड़ा अगे बच्चे ने
मैनू कह मोदी गुजरात तो आ गए पी एम बन गया उन्होंने कल बीजेपी डुब जाएगी उन्होंने अपना नास्ते कराना कराना पूरी बीजेपी पार्टी डुबो के जाएगा बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा। इस साल शाहपुर के किसान जो कह रहे हैं कि बेशक इस समय जो पेट्रोल डीजल से रसोई गैस कीमत भी बढ़ चुकी ने ते सरकार किसान उत्ते दोहरी मार मारन विच लगी हुई है ते जे सरकार नहीं झुकती तो किसान भी झुकन तैयार नहीं दिखाई दे रहा। कैमरामैन इंद्रजीत विशाल इंग्लिश न्यूज 24 शाहपुर अंबाला।